जब युद्ध समाप्त हो गया जी था जी 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 तो कहा था कि जब समाप्त हो गया तो उनको अपना शरीर चेंज करने का टाइम हो गया जी था, जी पांडवों का नहीं जी, कृष्ण कृष्ण भगवान का, कृष्ण का है ना क्योंकि जी लास्ट युग चल जी रहा जी था। जी 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 तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप कहाँ जाएंगे, क्यों चाहेंगे हम लोग को छोड़कर, हाँ जी क्योंकि हम लोग तो हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने कहा मैं तो सदा ही हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा, लेकिन मैं इस रूप में अब नहीं रहूंगा, मैं कलयुग में क्षत्रिय के रूप में आऊंगा और इस धर्म और धरती को बचाने के लिए तैयार रहूंगा। तो मोदी साहब तो क्षत्रिय नहीं है, लेकिन लेकिन वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं ना। हाँ वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं वो। अब कृष्ण भगवान यदुवंशी तो नहीं थे, नहीं वो तो यदुवंशी थे, भगवान के कोई वंशी वंशी है यदुवंशी भी क्षत्रिय थोड़ा है। यदुवंशी में यदुवंशी क्षत्रिय नहीं है, वो तो गाय चलाने वाले हैं। यदुवंशी में गाय चलाने वाले हैं, यादव लोग थे ना वो, यादव भी क्षत्रिय नहीं आते, यादवों में नहीं, यादव में क्षत्रिय नहीं होते। लेकिन वहां तो उन्होंने क्षत्रिय का ही काम किया। हाँ काम क्षत्रिय का किया, इसलिए वो मोदी भी क्षत्रिय काम कर रहे। देखो अच्छा, तो जो आज धर्म के लिए देश के लिए लड़ रहा है वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय चाहे वो किसी कौम में पैदा हुए, उसे कोई बिल्कुल बिल्कुल। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया। अगर नारी कन्याएं भी वीरता का काम कर रही तो वो तो क्षत्रिय कुल में पैदा हो रहे थे, क्षत्रिय है बिल्कुल, बहुत बड़ी। लक्ष्मी बाई तो ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण घर की थी वो, गृहिणी थी, गृहिणी और ब्राह्मण थी वो, लेकिन उन्हें तो क्षत्रिय का काम किया, क्षत्रिय का काम किया। देखिए उसके पिता माने ब्राह्मण घर का सिर था, उसका पिताजी ब्राह्मण, तो उनके वो थे ना वो पिताजी वहाँ मंत्री थे उनके, राजा नचिकेता था, बेटी के साथ उन्होंने राजा इंदिरा गांधी इतना जंग लड़े, वो तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, चाहे किसी भी कौम में पैदा हुई उसे क्या लेना। अब फौज में कोई भी कौम में पैदा हो जाए वो फौजी है, फौजी। हाँ फौजी में अब तो कोई वहाँ कौम कोई देखता नहीं है, अब तो कोई भी जाए वहाँ फौजी है वो, देखने नहीं आप नहीं जी, पहले से ही है। पहले से ऐसे ही था जी, नहीं पहले तो सामने क्षत्रिय कुल के ही लोग जाते थे युद्ध में, वो क्षत्रिय होने चाहिए। मैं तो मेरे को थोड़ा गैस बंद कर, थोड़ा ले लीजिए चाय, थोड़ा थोड़ा हम लेते लेते हैं। मैं जी क्या आपको क्या लगता है ये भारतवर्ष का अभी मोदी के टाइम पे, मोदी जी के आपको क्या लगता है अभी, अभी अगली साल नया इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए तो मैं कोई सेलेक्ट करके नहीं बता सकता है, लेकिन जो अच्छा और सत्य करके चलेगा वो सदा रहेगा। अब क्या पता ये भी हो सकता है बस कि उसी क्वालिटी के कोई दूसरा मोदी आ जाए, नहीं ये तो आएंगे निश्चित आएंगे, कोई तो आएगा मोदी के ही क्वालिटी के कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरा मोदी आ जाए जी जी, और ये भी निश्चित है यार आएंगे आएंगे, ये तो आएंगे, चाहे किसी भी पार्टी के आएंगे वो आएंगे, लेकिन हम यही जानते हैं कि जो अच्छा कर्म करता है वो सदा के हकदार होता है। बिल्कुल शिवाय नमः। और नहीं रहना होता तो जितना उठ पटांग काम कर कर आ रहा है कब को रिजेक्ट हो जाता है। नहीं काम भी बहुत कर रहा है, मैं तो पूरा घूमता हूँ, बहुत तो चाय नहीं ले रहे मेरा स्वामी, चाय थोड़ा मेरे को बहादुर